पीरियड के दौरान अगर आपको बार बार पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, खून के थक्के पास हो रहे हैं, रात में उठकर पैड बदलना पड़ रहा है, बार बार कपड़े स्टेन हो जा रहे हैं, बेडशीट स्टेन हो जा रहा है, दाग लग जा रहा है, या 7 दिन से ज़्यादा पीरियड के दौरान ब्लीडिंग हो रही है या नॉर्मल नहीं है, इसे हम मेनोरेजिया या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। कंटिन्यूड अगर आपको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो धीरे धीरे आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, कमज़ोरी, थकान, चक्कर आता है, मरीज़ को सांस में तकलीफ होने लगती है और कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग को लाइटली ना लें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत मिले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महीने में ज़्यादा ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक नॉर्मल पीरियड्स 28 दिन के अंतराल पर आती है, 3 से 5 दिन तक एवरेज ब्लीडिंग होता है, 30 से 40 ml की ब्लीडिंग पीरियड्स के दौरान एवरेज होती है। पहले 2 दिनों में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग कम हो जाता है। एक अगर पैड फुली सोक्ड हो, मतलब पूरा पैड अगर भर जाए, तो लगभग इसमें 5 ml का ब्लड अब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि अगर पूरे पीरियड्स के दौरान आपको 6 से 7 पैड्स लग रहे हैं फुली सोक, तो वह नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपको 16 से 17 पैड्स से ज़्यादा लग रहे हैं, फुली सोक पैड ज़्यादा लग रहे हैं अगर 16-17 से, तो इसका मतलब कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। या फिर कम ब्लीडिंग ही हो लेकिन वह अगर 7 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है, 8-9-10 दिन या उससे ज़्यादा ब्लीडिंग कंटिन्यू रह रही है, तो यह भी नॉर्मल नहीं है और आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा या तो आपके ब्लड में कोई दिक्कत हो, आपके खून में खराबी है उसकी वजह से हो सकता है, या आपके गर्भाशय में कोई दिक्कत हो। पीरियड्स के दौरान सही मात्रा में और सही अंतराल पर ब्लीडिंग होने के लिए आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स होते हैं शरीर में, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। और यह बैलेंस यूजुअली मेनार के आसपास में, मतलब लड़कियों में जब शुरुआती पीरियड्स के शुरुआती 1-2 साल होते हैं, उसमें यह बैलेंस नहीं होता है। और उसी तरीके से जब मेनोपॉज होता है, मासिक समाप्त होने वाला होता है, तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस दौरान आपको फ्रीक्वेंट मेंसेस हो सकते हैं और हेवी पीरियड्स होते हैं। अगर आपको थायराइड की बीमारी है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि आपके थायराइड T3 और T4 कम हो गया है और TSH लेवल आपके शरीर में बढ़ गया है, तब भी आपको पीरियड्स ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा, कि अगर आपको कोगुलेशन डिसऑर्डर है, यानी खून जमने में आपको दिक्कत होती है, कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक कंटिन्यू होता है, वैसी महिलाओं में भी पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। प्लस अगर आप खून पतला करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं, आपको BP की बीमारी है या फिर आपको हार्ट की बीमारी है, तो डॉक्टर्स यूजुअली खून पतला करने के लिए आपको दवा देते हैं, वैसे में भी आपको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपके बच्चेदानी में रसौली है, जिसे हम फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं, तो भी आपको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इनफैक्ट यह बहुत कॉमन कारण है बढ़ती उम्र में पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का। यह एक बेनाइन ट्यूमर है, यानी कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है, जिसमें बच्चेदानी की मांसपेशियों में गांठें बन जाती है। इस दौरान मरीज़ को या तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है पीरियड्स के दौरान, ब्लीडिंग जल्दी जल्दी हो जाती है, यानी समय के 7-8 दिन पहले ही हो जाती है, पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेन होता है। उसी प्रकार से बच्चेदानी के झिल्ली की एक ट्यूमर होती है, जिसे हम इंडोमेट्रियल पॉलिप बोलते हैं, उसकी वजह से भी पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एडेनोमायोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, बच्चेदानी में सूजन अगर हो जाता है, जिसे PID हम कहते हैं, उस समय भी पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, यानी अगर आपको PCOD है, तो अगर आपके महीने चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, 2-3 महीने के बाद अगर जो कोई भी ब्लीडिंग होती है, तो वह भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपने कॉपर टी लगवाया है और आपको अगर पीरियड्स के दौरान अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो कॉपर टी की वजह से यह हो सकता है और कॉपर टी निकालने के बाद यह नॉर्मल हो जाता है। अबॉर्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो पहले 2-3 पीरियड्स होते हैं, यूजुअली हैवी होते हैं, लेकिन वो विथ टाइम जो ब्लीडिंग का अमाउंट है कम हो जाता है और फिर कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाता है। अगर बढ़ती उम्र में आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है,
तो कई बार बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी इसका कारण हो सकता है। इंडोमेट्रियल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए आपको आपके पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया कि आपके कारण क्या क्या हो सकते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग के। तो इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो। गायनेकोलॉजिस्ट आपका एक होल बॉडी एग्जामिनेशन करेंगी, प्लस स्पेकुलम और पीवी एग्जामिनेशन, जो लोकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम बच्चेदानी के गर्भाशय के मुंह को देखते हैं, बच्चेदानी को एग्जामिनेशन करते हैं, साइज कैसा है, कोई ट्यूमर है या नहीं है, रूल आउट करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट जिसमें थायराइड एंड अदर हार्मोन्स शामिल है हम कराते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड आपको एडवाइस किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स जिसमें हमने रसौली या फिर पॉलिप या एडेनोमायोसिस यूजुअली डिटेक्ट हो जाते हैं, अगर आपको कोई और एडवांस टेस्ट की ज़रूरत होगी तो आपको वैसे ही एडवाइस किया जाता है। हम पेशेंट का पैप स्मियर भी कराते हैं जिसमें पेशेंट के बच्चेदानी के मुंह से पानी लिया जाता है और हम कैंसर की जांच के लिए भेजते हैं, या एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अगर बच्चेदानी की झिल्ली मोटी है, अगर मेनोपॉज के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हम इंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं, या एक ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें बच्चेदानी की झिल्ली का मतलब इंडोमेट्रियम का सैंपल हम निकालते हैं और उसे हिस्टोपैथ टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर कोई भी कैंसर के अंश या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लीशिया होता है तो यह टेस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, इससे हमें पता चलता है पेशेंट को कैंसर है या नहीं। अगर कैंसर है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इलाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस कारण से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। हम टारगेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आपको रसौली होगी तो रसौली को या तो मेडिसिन से या फिर आपके ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है। अमूमन अगर कोई भी पेशेंट है जिसको मेनोरेजिया है तो हम उसका एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन हम कुछ ऐसी गोलियां देते हैं जिससे आपकी ब्लीडिंग पीरियड्स के दौरान कम हो जाएगी। अगर पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो सेकेंड लाइन थेरेपी देते हैं जिसमें यूजुअली हार्मोन्स थेरेपी रहती है, या तो हम ओसी पिल्स गर्भ निरोधक गोली प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पेशेंट इससे रिस्पॉन्ड करती है तो हम पेशेंट को काफ़ी समय तक सेफली ये पिल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर पेशेंट को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके लिए ना हो तो। अगर पेशेंट सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट से भी रिस्पॉन्ड ना करे तो कई अदर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि मिरिना डिवाइस होती है, या एक कॉपर टी जैसी डिवाइस है जिसमें मेडिसिन होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर, या हम यूट्राइन कैविटी के अंदर बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं और वह डिवाइस हॉर्मोन्स छोड़ती रहती है कंटिन्यूस बच्चेदानी के अंदर, जिससे आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल में रहेगी। अगर इन सारे थेरेपी से भी पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे तो यूजुअली हिस्ट्रेक्टमी या बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जो या तो लैप्रोस्कोपी से या फिर हम ओपन सर्जरी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को पॉलिप है तो हम पॉलिपेक्टमी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड है तो हम फाइब्रॉइड यानी कि जो रसौली है सिर्फ उसको भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात की कि पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण होते हैं और इसके इलाज क्या है। पीरियड्स तो एक ही है लेकिन उससे जुड़े प्रॉब्लम्स अनेक हैं, लेकिन हम उससे लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। ज़रूरत बस यही है कि हम पहचाने कि नॉर्मल पीरियड्स क्या है और एबनॉर्मल कब है, यानी कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लाइक करने से मुझे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। शेयर करोगे तो आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, इससे लोगों को हेल्प मिलती है, और सब्सक्राइब करने से मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।